ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व माना गया है, ये बहुत बड़ा दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करी थी और माताएं होलिका माता की पूजन करती हैं। अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए होलिका माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, अगर आप हारी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके विवाह में परेशानी चल रही है, या आपको संतान या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो इस दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि फागुन पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, और इस बार बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है, जिसके कारण देखिए सात भाग्यशाली राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। और साथ ही इस दिन अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा का दिन सबसे अधिक महत्व बताया गया है, तो इस दिन आप सूर्यदेव को अर्ध अवश्य दें और भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करें और होलिका माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो होलिका माता का पूजन अवश्य करें, रोली से, अक्षत से, चंदन से। और साथ ही होलिका माता की होलिका दहन के समय या पूजा करते समय आप सात परिक्रमा अवश्य लगाएँ और कच्चा सूत या कलावा अवश्य सात बार अवश्य लपेटें। ऐसा करने से आपको जिस भी कार्य में बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है और आपकी होने वाली संतान या आपकी जो संतान है वो दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, फागुन पूर्णिमा के दिन अगर एक वस्तु अगर आप खा लेते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, होलिका दहन के समय पर अगर आप गेहूं की बाली लेते हैं और उसको मतलब होलिका की अग्नि में उसको भूनते हैं और उसकी जो मतलब जो गेहूं होते हैं उसका जो प्रसाद है अपने देवी देवताओं के लिए अवश्य निकालें, या अगर आप शिव मंदिर में गए हैं तो वहां पर भगवान शंकर पर दो दाने गेहूं के अवश्य चढ़ा दें अपनी मनोकामना बोलकर, और साथ ही उस गेहूं के दानों का प्रसाद आपको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। घर परिवार में सभी को इस दिन गेहूं की बाली का थोड़ा सा भोग अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, इस दिन गेहूं की बाली और छोलिया का भोग लगाया जाता है होलिका माता पर, तो आप उसका प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, होलिका दहन की जो राख होती है उसे भी अपने घर अवश्य लाना चाहिए। थोड़ी सी राख आप दूसरे दिन शिवलिंग पर जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें, उस राख का तिलक भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जितनी भी परेशानी चल रही है वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों, इस बार होलिका दहन के दिन बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है, जिसके कारण इन सात भाग्यशाली राशियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने का योग बना हुआ है, इनको पुत्र धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको फागुन पूर्णिमा से बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। साथ ही अगर आपको देखिए संतान की या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन होलिका माता का पूजन अवश्य करें और इस एक वस्तु को अवश्य ही ग्रहण करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।